आज हम देखने वाले हैं एमसीएस में इंसॉल्वेंसी लॉ के केसेस को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के प्रोविजंस पता होने चाहिए। जब आपको पता होगा कि सीडी कौन है, ओसी कौन है, एफसी कौन है, आपको उसकी सारी टर्म्स पता होंगी, सारे प्रोविजंस पता होंगे, तो आपके लिए इस चैप्टर को समझना ईजी होगा। अगर आपको प्रोविजन ही नहीं पता है तो फिर ये चीज आपके लिए डिफिकल्ट होगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग सेकंड ग्रुप में सीआर में ये चीजें पढ़ चुके होंगे, इसलिए आपको ये समझना इजी रहेगा। स्टार्ट करते हैं केस नंबर वन से। केस नंबर वन है ऑर्डर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 7 की। आप लोगों को पता होगा सेक्शन नंबर 7 में हम बात करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या इन्वॉल्व है। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होगा, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिसने फाइनेंशियल डेट दिया है। तो अगर आपने फाइनेंशियल डेट दिया है किसी को, तो उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, उसका रीपेमेंट नहीं हुआ, तो आप आईबीसी में जा सकते हो एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर सीआईआरपी की एप्लीकेशन लेके। यहाँ पे क्वेश्चन क्या इन्वॉल्व था। जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी पर्सन को लोन देते हैं तो हम उस पर्सन से इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। इस केस में क्या हुआ कि एक पर्सन ने कॉर्पोरेट डेटर को लोन दिया, लेकिन वो इंटरेस्ट फ्री लोन था, उसने उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये इन्वॉल्व था कि जिस पर्सन ने लोन दिया है, जो लेंडर है, वो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा या नहीं होगा, उसने जो लोन दिया है उसको फाइनेंशियल डेट मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो यहाँ पे केस क्या हुआ कि कॉर्पोरेट डेटर ने लोन तो ले लिया लेकिन लोन का रिपेमेंट नहीं किया, तो उस ग्राउंड पे फाइनेंशियल क्रेडिटर ने सीआईआरपी की एप्लीकेशन दी। तो वहां पे ऑब्जेक्शन क्या रेज हुआ कि ये तो इंटरेस्ट फ्री लोन था और ये फाइनेंशियल डेट में नहीं आता, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं हो, इसलिए आप इसकी एप्लीकेशन नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जब डिसीजन आया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि फाइनेंशियल डेट में इंटरेस्ट फ्री लोन भी कवर होता है, तो जो एप्लीकेंट है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है और वो यहाँ पे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए। केस नंबर 2 इंडिया रिसर्जेंस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था, और यहाँ पे केस रिलेटेड टू है रिजोल्यूशन प्लान। जब आईबीसी में हम सीओसी को फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद काम क्या होता है कि रिजोल्यूशन प्लान्स एक्सेप्ट करना। तो वहां पे कितने भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट आ सकते हैं, जो अपने अपने रिजोल्यूशन प्लान वहां पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अब ये डिसीजन सीओसी का होगा कि उन्हें किसका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करना है। सीओसी को जिसका रिजोल्यूशन प्लान अच्छा लगेगा वो वहां पे अप्रूव करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि एक एप्लीकेंट का रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो गया, दूसरा एप्लीकेंट ने केस फाइल कर दिया कि मेरा रिजोल्यूशन प्लान ज्यादा अच्छा था उस एप्लीकेंट से, लेकिन मेरे रिजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उसने वहां पे केस फाइल किया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन आया कि जो रिजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल है वो सीओसी का डिसीजन है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि रिजोल्यूशन प्लान रिजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करेंगे सीओसी पे, सीओसी का वहां पे जो डिसीजन होगा वो फाइनल रहेगा, सीओसी डिसाइड करेंगे कि किसका रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट करना है किसका नहीं करना, और रिजोल्यूशन एप्लीकेंट इस ग्राउंड पे कि हमारा रिजोल्यूशन प्लान ज्यादा अच्छा था उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, इस ग्राउंड पे वो चैलेंज नहीं कर सकते। आईबीसी में भी जो केसेस है वो बहुत इजी है, बस आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट केस यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट केस है केस नंबर 3 संदीप खेतान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन था, और यहाँ पे केस है रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 14, और सेक्शन नंबर 14 आईबीसी में किसका होता है, मोरेटोरियम। इस केस में क्या होता है, कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर लिया जाता है, क्योंकि कंपनी के अगेंस्ट में एक एफआईआर लॉज होती है। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी के अगेंस्ट में एक सीआईआरपी की एप्लीकेशन जाती है, और हमको पता है कि जहां से सीआईआरपी की एप्लीकेशन अप्रूव हुई वहां से मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और जहां से मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हुआ वहां से तो कंपनी की सारी एसेट फ्रीज यू भी हो ही जाती है। अब यहाँ पे मोरेटोरियम पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, जो कंपनी है वो जाती है हाईकोर्ट के पास और हाईकोर्ट से ये ऑर्डर मांगती है कि जो हमारा बैंक अकाउंट है उन्हें अनफ्रीज कर दिया जाए। हाईकोर्ट ऑर्डर पास करके उनके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर देती है और ऑपरेट करने के लिए अलाउ कर देती है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन इन्वॉल्व था कि जब मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो गया तो जो बैंक अकाउंट को फ्रीज किया था उसको अनफ्रीज करने का ऑर्डर क्या हाईकोर्ट पास कर सकता है, हेल्ड नो। नेक्स्ट केस है केस नंबर 4 स्किल टेक सर्विसेज। यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर सीआईआरपी के एप्लीकेशन लेके एनसीएलटी के पास पहुंचा। अब एनसीएलटी के रजिस्ट्रार होते हैं जिनका काम क्या होता है कि कौन कौन से पिटीशन आई है वो सब चीजें नोट डाउन करना, सारा रिकॉर्ड रखना। तो जो एनसीएलटी के रजिस्ट्रार थे उनके पास ये पिटिशनर गए अपनी कंप्लेन लेके। जो रजिस्ट्रार वहां पे था, रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। रजिस्ट्रार एनसीएलटी ने रिजेक्ट नहीं किया है, जो एनसीएलटी में रजिस्ट्रार है उन्होंने क्या किया, वहां पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया इस ग्राउंड पे
आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ना कंप्लेन फाइल करने की वो बढ़ चुकी है, आप सही एप्लीकेशन लेके नहीं आए हो, आपका केस तो बहुत कम अमाउंट का है, तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और रजिस्ट्रार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब इस केस में फाइनल डिसीजन आया तो उसका फाइनल डिसीजन क्या था कि पिटीशन को एक्सेप्ट करना या पिटीशन को रिजेक्ट करना ये एनसीएलटी का काम है, चाहे फिर वो थ्रेशोल्ड लिमिट पे ही क्यों ना हो, लेकिन ये काम किसका है, एनसीएलटी का है, जो कि एनसीएलटी ही करेगी। एनसीएलटी के जो रजिस्ट्रार है वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एप्लीकेशन सही है या नहीं है, उनका काम क्या है एप्लीकेशन को लेना और फॉरवर्ड करना टू एनसीएलटी। एनसीएलटी डिसाइड करेगी कि वेदर वो एप्लीकेशन सही है या नहीं। केस नंबर 5 है बाबूलाल वर्धर जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। क्या केस है, इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड 2016 सेक्शन 238 पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, वेदर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ डिफॉल्ट, हेल्ड नो। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सिंपल सा है, अगर हम बात करें कि आईबीसी कब आया तो ये 2016 में आया। यहाँ पे जो कंफ्यूजन था वो सिर्फ इतना सा था कि आईबीसी 2016 में आया और कोई डिफॉल्ट है मान लो उसके पहले का, तो डिफॉल्ट से लिमिटेशन पीरियड काउंट करेंगे या 2016 आईबीसी जब से आया है तब से लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2013 में कोई डिफॉल्ट हुआ और 2015 में लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, अब 2016 में आईबीसी आ गया तो लिमिटेशन पीरियड 2013 से काउंट करें या आईबीसी के आने से 2016 आने से वहां से हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करें। तो हमें बहुत सिंपल सी बात थी कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो डेट ऑफ डिफॉल्ट से ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आईबीसी नहीं था तो कोई दूसरे लॉ नहीं थे जो इन सारी चीजों को गवर्न नहीं कर रहे थे। आईबीसी आने से पहले भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जो ऑप्शन थे उनको आपको यूटिलाइज करना चाहिए था। 2016 में जब से आईबीसी आया सारे प्रोविजन आईबीसी से रेगुलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि डेट ऑफ डिफॉल्ट से ही आपका क्या होगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट होगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 6 सगुफा अहमद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे केस क्या हुआ, इंडिया में लॉकडाउन लगा। अब इंडिया में लॉकडाउन जब लगा तो कुछ पर्सन ऐसे थे जिनके लिमिटेशन पीरियड उस लॉकडाउन के पीरियड में एक्सपायर हो रहे थे, तो बहुत जेन्युइन सी बात है कि हमें उनको एक्सटेंशन ऑफ टाइम देना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनके पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो रहे हैं, वो लोग केस फाइल नहीं कर पाएंगे, तो बहुत जेन्युइन सी बात है कि हमें उन्हें एक्सटेंशन देना है। यहाँ पे केस क्या हुआ कि एक पर्सन जिनका लिमिटेशन पीरियड लॉकडाउन से पहले ही एक्सपायर हो चुका था वो यहाँ पे डिले के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो क्योंकि अब लॉकडाउन भी हो गया है, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही उनका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका था, तो यहाँ पे उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट केस है केस नंबर 7 SREI इक्विपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन है, केस रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 7। फाइनेंशियल क्रेडिटर ने यहाँ पे क्या किया, बहुत ही पुराने लोन थे उसमें कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की, लेकिन उसके बाद भी कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया। एनसीएलटी ने पिटीशन को एडमिट कर लिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीएलटी फाइनेंशियल क्रेडिटर वॉज राइट, फाइनेंशियल क्रेडिटर को पैसे लेने थे, कुछ आउटस्टैंडिंग थे पुराने, लेकिन एनसीएलटी ने डॉक्यूमेंट को मिसरीड किया, डॉक्यूमेंट्स को गलत समझा और अकॉर्डिंग टू एनसीएलटी कोई भी पुराने लोन्स लेना बाकी नहीं थे, तो एनसीएलटी ने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आया तो उन्होंने बोला कि जब फाइनेंशियल क्रेडिटर ये प्रूफ कर चुका है कि पुराने लोन्स हैं और वो रिकवर करना बाकी है तो यहाँ पे पिटीशन को एडमिट करना इज राइट, तो जो पिटीशन थी उसको फिर एडमिट किया गया, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट से इटसेल्फ ये पता लग रहा है कि जो पुराने कुछ आउटस्टैंडिंग है लोन अभी रीपेमेंट नहीं हुआ है तो वहां पे पिटीशन को एडमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस केस नंबर 8 किरण गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। जब मोरेटोरियम पीरियड इनिशिएट होता है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि कॉर्पोरेट डेटर की जो असेट्स है उसको कोई भी सेल नहीं कर सकता, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में आप केस फाइल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे केस क्या हुआ, यहाँ पे ये लोग कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या हुआ सीआईआरपी की एप्लीकेशन एडमिट हो गई, जैसे ही उस पर अप्रूवल मिली वहां से मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो गया, मतलब कि आप कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। अब सारफेसी में बैंक ने क्या करा, प्रोसीडिंग इनिशिएट की, लेकिन ये प्रोसीडिंग कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट नहीं थी, ये थी अगेंस्ट द गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर के लिए जिसने गारंटी दी थी उनके अगेंस्ट में बैंक ने प्रोसीडिंग इनिशिएट की सारफेसी एक्ट में। तो क्वेश्चन ये था कि जब सीआईआरपी चल रहा है कॉर्पोरेट डेटर का तो गारंटर के अगेंस्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आया कि मोरेटोरियम पीरियड कॉर्पोरेट डेटर के लिए है, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में आप केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉर्पोरेट डेटर के गारंटर्स हैं उसके अगेंस्ट में आप प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट केस है केस नंबर 9, काले दुनिया झूठ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। काले दुनिया झूठ हमने कंपनीज एक्ट के जब केसेस पढ़े थे तो वहां भी ये वाला केस हमने देखा था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या इन्वॉल्व है कि अगर कोई वाइंडिंग अप पिटीशन है और वो हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, क्योंकि पहले आईबीसी नहीं था, तो इसके पहले हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी वाइंडिंग अप की पिटीशन है वो हाई कोर्ट में लेके जाते थे। अब हाई कोर्ट में कई सारी वाइंडिंग अप की पिटीशन पेंडिंग है और उसी बीच क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आ जाता है। तो क्या वो वाइंडिंग अप के पिटीशन को ट्रांसफर करना है एनसीएलटी के पास? यस। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जितनी भी पेंडिंग पिटीशन थे वाइंडिंग अप के, वो हाई कोर्ट से किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? एनसीएलटी के पास ट्रांसफर होंगे। केस नंबर 10, जियोस थॉमस एनसीएलटी का यहाँ पे डिसीजन था। केस है सेक्शन नंबर 9 से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 9 में हमने बात की है ऑपरेशनल क्रेडिटर की। ऑपरेशनल क्रेडिटर भी सीआईआरपी में क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर को क्या करना होता है? पहले डिमांड नोटिस देना होता है कॉर्पोरेट डेटर को, और उसके बाद ही वो फिर सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो सेक्शन 9 ने क्या बोला कि ऑपरेशनल क्रेडिटर पहले डिमांड नोटिस देगा, फिर सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल करेगा। वहां पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि अगर कॉर्पोरेट डेटर ने बताया कि एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट चल रहा है, कॉर्पोरेट डेटर ने बताया कि हमारे बीच में तो पहले से ही डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस डिस्प्यूट के केस में आप सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, ओसी सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे केस था कि एक सिचुएशन थी, क्या हम उसको एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यहाँ पे क्या हुआ कि जो कॉर्पोरेट डेटर था उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी ऑपरेशनल क्रेडिटर से, और ऑपरेशनल क्रेडिटर ने वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं की। तो कॉर्पोरेट डेटर का कहना था कि ये हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है, क्योंकि हमने तुमसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तुमने हमको वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं की, तो ये हमारा एक एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट हो गया और इस केस में आप सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एनसीएलटी का डिसीजन आया कि इन्फॉर्मेशन मांगना ऑपरेशनल क्रेडिटर से और उसका इन्फॉर्मेशन सप्लाई ना करना, ये एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट नहीं है। केस नंबर 11 बहुत सिंपल सा है, आनंद राव वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो भी हम बात कर रहे थे मोरेटोरियम पीरियड की, कि मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट होता है तो कॉर्पोरेट डेटर की असेट्स को सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हुआ, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करा और कॉर्पोरेट डेटर की कुछ प्रॉपर्टीज थी उनको सेल कर दिया। तो क्या ये सही किया? क्योंकि अगर मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो गया तो आप कॉर्पोरेट डेटर की असेट्स, चाहे कोई भी कोर्ट हो, कोई भी अथॉरिटी हो, सेल नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आया कि प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जाएगा। केस नंबर 12 है यहाँ पे रिलेटेड टू इनकंसिस्टेंसी इन प्रोविजन। यहाँ पे हम दो चीजों की बात करेंगे, एक तो टी एक्ट है और दूसरी तरफ हमारे पास है आईबीसी। यहाँ पे कुछ टी गार्डन्स थे कॉर्पोरेट डेटर के, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने टी एक्ट में टेक ओवर कर लिया। ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल की आईबीसी में। टी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर है और वो टी एक्ट में कवर होता है, तो वहां पे आपको केस फाइल करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी होगी, लेकिन आईबीसी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब जब एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन गई तो एनसीएलटी ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड की टी एक्ट में कंसेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेके आओ, तो उसी की एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो गई। अब क्या हुआ, केस एनसीएलटी के पास गया, एनसीएलटी ने ऑपरेशनल क्रेडिटर की अपील को एक्सेप्ट कर लिया, अलाउ कर लिया। एनसीएलटी ने कहा कि ऑपरेशनल क्रेडिटर बिना कंसेंट के एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, क्योंकि आईबीसी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो कॉर्पोरेट डेटर जो कि टी कंपनी थी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने गई, उनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया। बहुत सिंपल सी चीज थी कि टी एक्ट में लिखा हुआ है कि कंसेंट लेनी है, लेकिन आईबीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लिखा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि टी एक्ट प्रिवेल करेगा या आईबीसी प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पे डिसीजन आया कि आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यहाँ पे प्रिवेल करेगा ओवर टी एक्ट। नेक्स्ट केस है केस नंबर 13, एक्सेल मैटर प्रोसेसर एनसीएलटी का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर एक जर्मन कंपनी है और कॉर्पोरेट डेटर इंडिया की कंपनी, ओसीसीडी दोनों ने एक एग्रीमेंट एंटर किया कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो हम क्या करेंगे, जर्मन कोर्ट में जाएंगे, जर्मन कोर्ट हमारा जुरिस्डिक्शन होगा। जब एक्चुअली डिस्प्यूट हुए तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन कहाँ फाइल की, आईबीसी में फाइल की, एनसीएलटी के पास। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या रेज हुआ कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें लिखा था कि हम तो जर्मन कोर्ट में जाएंगे, तो एनसीएलटी के पास आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो यहाँ पे एनसीएलटी का डिसीजन आया कि यहाँ पे आप एनसीएलटी के पास जा सकते हो, भले ही वो एग्रीमेंट आपका हुआ था, लेकिन आप एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, तो एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर आप आईबीसी में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही केस जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था
कि दो पार्टीज थे, उन्होंने एग्रीमेंट में क्या लिखा था, जब भी कोई डिस्प्यूट होंगे हम आर्बिट्रेशन जाएंगे, लेकिन वो कंज्यूमर कंप्लेंट थी तो वो कंज्यूमर फोरम में चले गए, तो वो कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। केस नंबर 14 है यहाँ पे आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स और एनसीएलटी का यहाँ पे डिसीजन था। ये केस रिलेटेड टू है एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट, जो भी हम बात कर रहे थे। अभी हमने बात की एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट की, कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर कोई भी एप्लीकेशन सीआईआरपी में एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा, और सीआईआरपी के एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ओसी को क्या करना होता है, डिमांड नोटिस देना होता है कॉर्पोरेट डेटर को। यहाँ पे क्रेडिटर ने क्या किया, डिमांड नोटिस दिया डेटर को। डिमांड नोटिस मिलने के बाद डेटर ने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट की, ये प्रूफ करने के लिए कि हमारा तो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट चल रहा है। तो क्या इसको एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट मानेंगे? एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट मतलब ये होता है कि जो डिमांड नोटिस के पहले चल रहा हो। यहाँ पे डिमांड नोटिस मिलने के बाद आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, तो ये एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट नहीं है, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट केस है केस नंबर 15 एसएसएमपी इंडस्ट्री दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे केस में क्या हुआ कि जब हम मोरेटोरियम की बात करते हैं, मोरेटोरियम में हम क्या बोलते हैं कि कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। अगर सीआईआरपी इनिशिएट हो गई है तो कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन था रिलेटेड टू काउंटर क्लेम। यहाँ पे एक ने दूसरे के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल की कि मुझे इससे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 1 CR लेने हैं, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं मुझे इससे 5 CR लेने हैं, तो ये हुआ काउंटर क्लेम। यहाँ पे क्वेश्चन ये इन्वॉल्व हुआ कि जब एक पर्सन ने एप्लीकेशन दी है तो उसके लिए तो मोरेटोरियम लग गया है, तो आप उसके अगेंस्ट में तो यहाँ पे केस फाइल ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिसीजन ये आया कि काउंटर क्लेम फाइल किया जा सकता है, क्योंकि वो दोनों पर्सन के बीच में हमको डिस्प्यूट रिजोल्व करना पड़ेगा कि किसको कितने पैसे लेने हैं, तो काउंटर क्लेम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। तो काउंटर क्लेम अलाउ रहेगा, लेकिन कोई भी दूसरी लीगल प्रोसीडिंग आप उस पर्सन के अगेंस्ट में लेके नहीं आ सकते। नेक्स्ट केस है केस नंबर 16 ललित मिश्रा एनसीएलटी का यहाँ पे डिसीजन था। कंपनी के कुछ प्रमोटर थे और उन प्रमोटर का कहना था कि ये जो रिजोल्यूशन प्लान बनाया है, इस रिजोल्यूशन प्लान में हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला, हमारे बारे में कुछ भी बात यहाँ पे नहीं लिखी है। उन प्रमोटर्स का कहना था कि हम पर्सनल गारंटर्स हैं, तो हमको जो हमारा अमाउंट मिलना है, हमको जो हमारा सबरोगेशन राइट मिलना है, उसके बारे में रिजोल्यूशन प्लान में कुछ नहीं लिखा, हमारे साथ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेट हुआ है, तो हमारे लिए भी कुछ प्रोविजन रिजोल्यूशन प्लान में लिखे होने चाहिए ताकि हमको बेनिफिट मिले। एनसीएलटी का यहाँ पे डिसीजन आया कि प्रमोटर के बारे में अगर रिजोल्यूशन प्लान में कुछ भी नहीं लिखा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज ये है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनको जो उनका राइट है वो मिलना चाहिए। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को बेनिफिट दिया जाता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को कितना अमाउंट देना बाकी है, कैसे दिया जाएगा, ये चीज रिजोल्यूशन प्लान में लिखी होनी चाहिए, लेकिन प्रमोटर और पर्सनल गारंटर के लिए रिजोल्यूशन प्लान में कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 17 फॉरेक इंडिया लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या हुआ कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इफेक्ट में नहीं आया था, उसके पहले किसी कंपनी के अगेंस्ट में वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल हुई और वो हाईकोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आ जाता है और फाइनेंशियल क्रेडिटर सीआईआरपी के एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया जाता है इस ग्राउंड पे कि वाइंडिंग अप की पिटीशन चल रही है, तो आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में नहीं जा सकते। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भले ही वाइंडिंग अप की पिटीशन पेंडिंग हो, लेकिन क्योंकि अब आईबीसी आ चुका है तो आप सीआईआरपी में एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं। जो एप्लीकेशन वाइंडिंग अप की भी पेंडिंग है वो ट्रांसफर हो जाएगी एनसीएलटी को, क्योंकि अभी तक वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हुआ नहीं है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 18 स्विस रिबन्स और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। इस केस में आईबीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। ये बोला गया था कि आईबीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वैलिड ही नहीं है, इसमें अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहे हैं, तो ये जो आप कोड लेके आए हो आईबीसी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ऐसा चैलेंज किया गया था। पर यहाँ पे सारे प्रोविजंस को समझाते हुए क्या अपहेल्ड हुआ कि आईबीसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। बहुत सारे ग्राउंड्स थे जिसपे आईबीसी को चैलेंज किया गया कि तो अनइक्वल ट्रीटमेंट करता है, तो वहां पे जब डिसीजन आया तो उन्होंने बताया कि आईबीसी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 19 शालिनी पब्लिसिटी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड एनसीएलटी का डिसीजन था। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, आईबीसी 2016 सेक्शन 7 डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय कॉर्पोरेट डेटर ओटीएस प्रपोजल फेल फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल पिटीशन एनसीएलटी एडमिटेड द पिटीशन वेदर करेक्ट हेल्ड यस।
यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेशन पीरियड की बात है कि जो केस है वो लिमिटेशन पीरियड के विदिन फाइल हुआ या उसके बाद फाइल हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि बैंक सबसे पहले जो केस है वो डीआरटी में फाइल करते हैं, और डीआरटी में जो केस फाइल होता है वो विदिन अ लिमिटेशन पीरियड फाइल होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि केस को ले जाते हैं आईबीसी में, लेकिन जब वो आईबीसी में लेके जाते हैं तब लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब पहला वाला केस आपने विदिन लिमिटेशन पीरियड फाइल किया तो दूसरा वाला केस फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता है, या लिमिटेशन पीरियड निकल गया तो सेकंड केस फाइल नहीं होगा। तो यहाँ पे समझाया गया कि अगर आपने फर्स्ट केस, आपने जो एक्शन आपको लेना था वो एक एक्शन आप विदिन लिमिटेशन पीरियड ले चुके हो, तो दूसरे के लिए फिर हम लिमिटेशन पीरियड वहां पे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 20, कोल इंडिया लिमिटेड एनसीएलटी का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे केस होता है बिटवीन ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर को कुछ पैसे लेने थे, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर एक सेटलमेंट करते हैं, और उस सेटलमेंट में कॉर्पोरेट डेटर ओसी को क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर पिटीशन फाइल कर देता है सीआईआरपी में। एनसीएलटी के पास जब केस जाता है तो एनसीएलटी उस पॉइंट को कंसिडर ही नहीं करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट सेटलमेंट में ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या ये सही चीज है? तो ये गलत है, क्योंकि इस केस में वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने सीआरपी की एप्लीकेशन तो दी, लेकिन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट का ऑलरेडी ले चुके थे अंडर सेटलमेंट। नेक्स्ट केस है केस नंबर 21, एफिनिटी फाइनेंस सर्विस एनसीएलटी का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे ये बात हुई है कि अगर किसी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो जाता है और उसके बाद लिक्विडेटर बोल रहा है कि लिक्विडेशन मत करो, लिक्विडेशन को डिसमिस कर दो, लिक्विडेशन के ऑर्डर को डिसमिस कर दो, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले कॉर्पोरेट डेटर का सीआईआरपी इनिशिएट हुआ, सीआईआरपी सक्सेस नहीं हुआ तो वहां पे क्या हुआ, लिक्विडेशन में गए, लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो चुका है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो गया। उसके बाद लिक्विडेटर का कहना है कि लिक्विडेशन के ऑर्डर को डिसमिस कर दो, क्योंकि हम ना इस कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न ही सेल करना चाहते हैं, तो लिक्विडेशन नहीं करना है। एनसीएलटी का डिसीजन ये आया कि लिक्विडेशन का ऑर्डर एक बार पास हो गया तो उसके बाद उसको रिव्यू, रिवोक, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। आप कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लिक्विडेशन ऑर्डर हम पास कर चुके हैं हम उसको रिवोक नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 22, जेके जूट मिल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि वेदर ट्रेड यूनियन इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर व्हेन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कमैन। अगर हम बात करें वर्कमैन की, तो वर्कमैन जॉब पे है तो उनको अगर अपने वेजेस के लिए, किसी भी पर्पज के लिए अगर सीआईआरपी में एप्लीकेशन देनी है तो वो देंगे एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर, लेकिन ट्रेड यूनियन जो कि उन वर्कमैन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उन्हें भी हम ऑपरेशनल क्रेडिटर बोलेंगे, और क्या वो उनके बिहाफ में सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, ट्रेड यूनियन इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर और वो वर्कमैन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीआईआरपी की एप्लीकेशन देने के लिए। नेक्स्ट केस है केस नंबर 23, प्रणामी ट्रेडिंग एनसीएलटी का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट टू प्रोसीडिंग पिटीशन ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर रिजेक्टेड बाय एनसीएलटी ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन वेदर करेक्ट हेल्ड नो। अब क्या सिचुएशन हुई, क्या केस था वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि एक बायर फ्लैट बुक करवाता है, फ्लैट का जो अमाउंट है वो रहता है ₹60 लाख। जो बायर है उसको क्या करना है, 60 लाख का पेमेंट करना है टू बिल्डर, लेकिन बायर यहाँ पे बोलता है कि मैं पूरा अमाउंट लमसम में पे नहीं करूंगा। यहाँ पे बायर ने बोला कि जो 60 लाख का अमाउंट है वो मैं विदिन 6-6 मंथ्स की गैप से पेमेंट कर दूंगा। बायर ने कुछ चेक भी इशू किए बिल्डर को। अब उसके बाद क्या होता है कि बायर पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है, जो चेक बिल्डर को दिए थे वो भी बाउंस हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर एनसीएलटी में केस फाइल करता है, और एनसीएलटी का कहना होता है कि ये केस तो टाइम बार्ड हो गया, अब आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब एनसीएलटी के पास अपील जाती है तो एनसीएलटी बताता है कि जो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्ड हुआ या नहीं हुआ, वहाँ हम लिमिटेशन पीरियड को अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एनसीएलटी का कहना था कि जब भी ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे पेमेंट का टाइम ही फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे उसको हम ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन के बेसिस पे रिजेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 24, एक्सिस बैंक, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। क्या लिखा हुआ है, सीआरपीसी एक्ट अपील बिफोर डीआरईटी, प्री डिपॉजिट ऑफ 50% ऑफ द कंटेंडेड सम, अपील विड्रॉन,
Borrower claimed the refund of the pre-deposit sum. Bank contended it cannot be refunded. Whether the claim of the borrower tenable? Hell yes. यहाँ पे केस बहुत सिंपल सा है कि जब हम डीआरटी से डीआरएटी में अपील करने जाते हैं तो ये कंपलसरी है कि डीआरएटी के पास आपको कुछ प्री डिपॉजिट रखना पड़ेगा, कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा, तभी वो आपकी अपील को कंसिडर करेंगे एज अ सिक्योरिटी। और जो आप केस लेके गए हो वो जेन्युइन केस है, इसलिए वो लोग आपसे डिपॉजिट वहाँ पे रखवाते हैं। डीआरएटी के पास अपील करनी थी तो उन्होंने प्री डिपॉजिट रखवाया, वहाँ पे अपील को विड्रॉ कर लिया गया। अब अपील विड्रॉ हो गई तो पर्सन ने अपना पैसा भी रिफंड मांगा, लेकिन रिफंड करते वक्त क्या हुआ, डीआरएटी ने भी वहां पे कंडीशन लगा दी और कहा कि उस कंडीशन के बेसिस पे हम रिफंड नहीं करेंगे। तो क्या ये सही है? यहाँ पे डिसीजन आया कि डीआरएटी जब डिपॉजिट ले रहा है तब वो वहां पे कंडीशन लगा सकता है, लेकिन जब वो पर्सन को रिफंड देना है तब आप वहां पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, तो जो बोरोवर है उसको अपना पैसा वापस मिलेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 25 यूको बैंक, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। सरफेसी एक्ट 2002 रीड विद त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सेल ऑफ मॉर्गेज असेट्स ऑफ द बोरोवर बाय द बैंक वेदर प्रोहिबिटेड बाय द प्रोविजन ऑफ त्रिपुरा एक्ट हेल्ड नो। इस केस में हम ये देखेंगे कि सरफेसी प्रिवेल करेगा या त्रिपुरा लैंड एक्ट जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बना हुआ है वो प्रिवेल करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन के पास लैंड होती है त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एक्ट में, और वो लैंड को वो मॉर्गेज कर देता है बैंक के पास और बैंक से ले लेता है वो लोन। बैंक को रिपेमेंट करने में वो डिफॉल्ट करता है। अब कोई भी पर्सन ने अगर बैंक से लोन लिया है और वो बैंक को रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट करेगा तो बैंक क्या करेगी, बैंक वहां पे मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करेगी। बैंक ने भी ऐसे किया, जो मॉर्गेज असेट्स थी त्रिपुरा लैंड एक्ट में उसको सेल किया टू पर्सन अदर देन द मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो वहां पे वही क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है। ये जो केस चल रहा था कि जिसमें बैंक ने इसको सेल किया वो सरफेसी एक्ट में था, और त्रिपुरा एक्ट में लिखा हुआ है कि आप किसी और पर्सन को सेल नहीं कर सकते त्रिपुरा के लैंड। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा। तो सरफेसी एक्ट जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है, त्रिपुरा लैंड एक्ट जो है वो क्या है, एक स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे दोनों में से सरफेसी एक्ट प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 26 SBI सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। सरफेसी एक्ट ट्रीट विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेदर प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट आर एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ J&K हेल्ड यस वेदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेल्ड यस। यहाँ पे ये बात थी कि सरफेसी एक्ट जो है क्या उसके प्रोविजन J&K में एप्लीकेबल होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि यस एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इन्वॉल्व था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में से कौन सा सुपीरियर है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, सुपीरियर रहेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 27 चुन्नू फैशंस दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था। क्या लिखा हुआ है, सरफेसी एक्ट 2002 सेक्शन 17 एंड 18 बोरोवर फाइल अपील बिफोर डीआरईटी अगेंस्ट द अटैचमेंट ऑर्डर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर अपील एडमिटेड विद द कंडीशन ऑफ प्री डिपॉजिट बोरोवर फेल टू पे प्री डिपॉजिट अमाउंट अपील डिसमिस बाय डीआरईटी वेदर करेक्ट हेल्ड यस। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर डीआरटी से डीआरएटी में अपील लेके जानी है तो जो कंडीशन है कि आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा वो कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अगर आपको अपील करनी है तो अपील करने से पहले आपको अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। बोरोवर ने अगर अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया तो क्या उसकी अपील को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। यहाँ भी वैसे किया गया कि बोरोवर ने अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया तो डीआरएटी ने अपील को डिसमिस कर दिया। तो दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था कि ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि डिपॉजिट तो करना पड़ेगा। डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो आप एप्लीकेशन देके कम करवा सकते हो कि हम इतना अमाउंट पे नहीं कर सकते तो आप इसको थोड़ा सा लेस कर दो, लेकिन पूरा ही अमाउंट आप डिपॉजिट ना करें तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 28 मोबिलॉक्स इनोवेशन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे बात हुई थी कि जो केस था उसमें क्या डिस्प्यूट का एग्जिस्टेंस था, और हमें पता है कि अगर डिस्प्यूट का एग्जिस्टेंस होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में तो वहां पे आप CIRP में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पे नजबली का केस था, आप लोगों को पता है कि जब शो आता है वहां पे टेली वोटिंग होती है, तो यहाँ पे नजबली ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसी कंपनी को दिया फॉर अ पब्लिक वोटिंग, उस कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर दिया विदाउट कम्युनिकेशन टू नजबली। दोनों कंपनी ने NDA किया, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट किया, कि ये जो हमने आपको ट्रांसफर किया है काम ये आप किसी को भी नहीं बताओगे, लेकिन वो कंपनी जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर किया था उन्होंने अपने वेब पेज पे डिस्क्लोज कर दिया कि नजबलिए के लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं।
जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्होंने पेमेंट रोक लिया इस ग्राउंड पे कि हमने आपके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट किया था, हमने आपको बोला था कि आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, उसके बाद भी आपने डिस्क्लोज किया तो हम आपको पेमेंट नहीं दिए। अब पेमेंट नहीं दिया तो सेकेंड कंपनी क्या बोलेगी? तो सेकेंड कंपनी ने क्या करा, बोला कि हम तो एनसीएलटी में जाएंगे एप्लीकेशन लेके और पूरा पैसा आपसे रिकवर करवाएंगे। एनसीएलटी में जब केस गया तो एनसीएलटी ने बोला कि यह आपका एक एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है, आप पहले इसको रिजॉल्व करा के आओ कि अमाउंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, एनडीए को वॉयलेट किया गया है या नहीं किया गया है, तो आपका एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट चल रहा है तो आपको पहले इसे रिजॉल्व करके फिर हमारे पास आना होगा सीआईआरपी के एप्लीकेशन लेके। नेक्स्ट केस बहुत सिंपल सा है, केस नंबर 29 सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। क्या लिखा हुआ है, 7 days टाइम लिमिट टू रिमूव डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन वेदर टेरिटरी एलडीएस। जब हम सीआईआरपी के एप्लीकेशन देते हैं एनसीएलटी को, एनसीएलटी क्या करती है, आपकी एप्लीकेशन चेक करती है। अगर एनसीएलटी को लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है, कोई डिफॉल्ट है, तो फिर वहां पे एनसीएलटी आपको 7 days का टाइम पीरियड देती है। प्रोविजन में 7 days का टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि आप 7 days में डिफेक्ट को रिमूव करके लाओगे। तो क्वेश्चन ये है कि वो 7 days डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है, मतलब कि आपको कंपलसरी 7 days में लाना ही होगा, और अगर आप 7 days में नहीं लाते हो तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 7 days का टाइम डायरेक्टरी है। क्यों डायरेक्टरी है? वैसे तो हम ये बोलते हैं कि जो आईबीसी आया है वो एकदम टाइम बाउंड प्रोसेस लेके आया है कि उतने ही टाइम में वो काम होना चाहिए, लेकिन 7 days को डायरेक्टरी इसलिए रखा क्योंकि सीआईआरपी का टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से सीआईआरपी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई हो। अभी तक सीआईआरपी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की गई है, ये उसके पहले का टाइम है जहाँ पे आपको डिफेक्ट को क्या करना है, रिमूव करना है, इसीलिए 7 days का टाइम क्या है, डायरेक्टरी है। जैसे ही आपकी सीआईआरपी की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वहां से जितना भी टाइम पीरियड है वो सब मैंडेटरी रहेंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 30 इनोवेटिव इंडस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे अगेन बात होगी कि कौन सा एक्ट, कौन सा कोर्ट प्रिवेल करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ आईबीसी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र एक्ट, तो दोनों में से देखना है कि कौन यहाँ पे प्रिवेल करेगा। यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट एंटर करते हैं। कॉर्पोरेट डेटर को पेमेंट देना होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर को, लेकिन वो फेल हो जाते हैं पे करने में, तो क्रेडिटर क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर सीआईआरपी में एप्लीकेशन लेके गए, लेकिन कॉर्पोरेट डेटर ने बोला कि हमको तो महाराष्ट्र एक्ट में रिलीफ मिला है, इसलिए आप सीआईआरपी के एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये था कि महाराष्ट्र एक्ट प्रिवेल करेगा या आईबीसी प्रिवेल करेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अभी हमने 3-4 केस देख लिए, सब में हमने क्या देखा कि सेंट्रल एक्ट विल प्रिवेल ओवर स्टेट एक्ट। महाराष्ट्र एक्ट जो है वो स्टेट एक्ट है, आईबीसी सेंट्रल, तो यहाँ पे क्या होगा, आईबीसी प्रिवेल करेगा ओवर महाराष्ट्र एक्ट, और फाइनेंशियल क्रेडिटर सीआईआरपी के एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट केस है केस नंबर 31 एमडी फ्रोजन फूड्स, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। क्या केस हुआ, हीरो फिनक्रॉप लिमिटेड एक एनबीएफसी है। अब क्या होता था कि हीरो फिनक्रॉप सरफेसी में पहले कवर नहीं होती थी, जब हीरो फिनक्रॉप सरफेसी में कवर नहीं होती थी उस टाइम पर हीरो फिनक्रॉप ने लोन दिया, लेकिन लोन का रिपेमेंट करने में कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो वहां पे हीरो फिनक्रॉप ने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा दी क्योंकि हीरो फिनक्रॉप उस वक्त सरफेसी में कवर नहीं होते थे। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ सरफेसी एक्ट में और हीरो फिनक्रॉप को भी बाय द वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन इंक्लूड कर लिया गया। तो अब ये क्वेश्चन था कि क्या इस केस में हीरो फिनक्रॉप सरफेसी एक्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं क्या। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि हीरो फिनक्रॉप को हमने जैसे ही सरफेसी में कवर किया, हीरो फिनक्रॉप यहाँ पे केस फाइल कर सकती है, भले ही जो लोन दिया गया था वो प्रायर लोन्स थे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 32 इंटरनेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही थी बिफोर रिकवरी ऑफिसर ऑफ डीआरटी, रिकवरी ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया। अब यहाँ पे अपील फाइल करनी थी, अपील फाइल करने के लिए टाइम पीरियड दिया हुआ है 30 days। अब इन्होंने अपील फाइल की 30 days बाद, तो क्या यहाँ पे इनको कंडोनेशन ऑफ डिले मिलेगा? तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर हम डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट को रीड करें तो वहाँ पे कोई कंडोनेशन ऑफ डिले की बात नहीं की गई है वहाँ पे, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा और कोई कंडोनेशन ऑफ डिले इनको नहीं दिया गया। नेक्स्ट केस है केस नंबर 33 मच्छर पॉलीमर एनसीएलटी का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे केस ये था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी सीआईआरपी की, एनसीएलटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया इस ग्राउंड पे कि एप्लीकेशन बार्ड बाय लिमिटेशन है। एनसीएलटी में उस पर्सन ने अपील फाइल की, एनसीएलटी के पास अपील गई, तो एनसीएलटी ने यहाँ पे एनसीएलटी को कहा कि आप पहले केस को सुन लो, क्या केस है उसको समझ लो, उसके बाद आप डिसीजन लेना।
नेक्स्ट केस है केस नंबर 34, नीता केमिकल एनसीएलटी का डिसीजन था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 सेक्शन 10 एप्लीकेशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। नो लिक्विडेशन वाइंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट रिजेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सपरेशन ऑफ फैक्ट ऑन अपील रिमांडेड बैक टू एनसीएलटी फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन। यहाँ पे क्या होता है कि कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में एक केस फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब कि जो बैंक है यहाँ पे एसबीआई वो फाइल कर देते हैं सारफेसी एक्ट में। सारफेसी में केस चल ही रहा है उसी टाइम पर कॉर्पोरेट डेटर अपनी एक एप्लीकेशन लेके जाते हैं सेक्शन 10 में ऑफ आईबीसी सीआईआरपी के लिए। जब सीआईआरपी की वो एप्लीकेशन लेके एनसीएलटी के पास जाते हैं तो एनसीएलटी का कहना होता है एनसीएलटी उसको रिजेक्ट कर देता है ऑन द ग्राउंड कि आपने कुछ फैक्ट्स को सप्रेस किया है, आपने जो एप्लीकेशन है उसको फ्रॉडुलेंटली हमारे पास फाइल किया है क्योंकि आपका ऑलरेडी एक केस सारफेसी एक्ट में चल रहा है, उसके बाद भी आप हमारे पास सीआईआरपी की एप्लीकेशन लेके आए हो। तो एनसीएलटी ने यहाँ पे बताया कि भले सारफेसी एक्ट में कोई केस कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग हो लेकिन उसके बाद भी आईबीसी में आ सकते हैं। नेक्स्ट केस है केस नंबर 35 आईटीसी लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। सारफेसी एक्ट सेक्शन 13 इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट डिफॉल्ट बाय बोरोवर। सिक्योर्ड क्रेडिटर टुक सिंबॉलिक पोजीशन ऑफ बोरोवर्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सोल्ड एन ऑक्शन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर वेदर वैलिड हेल्ड इज। यहाँ पे क्या होता है, एक होटल रहता है और वो लोग लोन लेते हैं क्रेडिटर से, लोन का रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हैं तो क्रेडिटर क्या करेगा, जो आपकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। तो यहाँ पे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर थे उन्होंने प्रॉपर्टी का सिम्बॉलिक पोजिशन लिया, उसको ऑक्शन में सेल कर दिया प्रॉपर्टी को, लेकिन उसके बाद जो बोरोवर थे वो ऑब्जेक्शन रेज करने लगे कि ये तो सिर्फ सिंबॉलिक पोजीशन था, सिंबॉलिक पोजीशन लेके आप प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि एक तो आपने पहले डिफॉल्ट किया पेमेंट करने में और फिर जब क्रेडिटर प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर रहे हैं तो वहां पे गलत ग्राउंड्स पे आप क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का यही था कि जो प्रॉपर्टी है उसको जब आपने एज अ सिंबॉलिक पोजीशन भी लिया है तो आप ऑक्शन में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है केस नंबर 36 जेपी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एनसीएलटी का यहाँ पे डिसीजन आया था। यहाँ पे वापस वही बात हो रही है एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट की, कि डिस्प्यूट का एग्जिस्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा। अभी तक हमने 3-4 केसेस ऐसे पढ़ लिए जहाँ पे हमने एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट की बात की है। एक केस हमने ये देखा कि अगर आपने क्रेडिटर से इन्फॉर्मेशन मांगी और उसने क्रेडिटर ने इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं की तो क्या वो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है, नहीं वो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट नहीं है। एक केस हमने ये देखा कि जिसमें आपको डिमांड नोटिस रिसीव हो जाता है और उसके बाद आप क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है, तो वो चीज़ गलत है। अगर आपके बीच में अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि पेमेंट देना था या नहीं देना था तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है। तो इस तरीके के हमने केसेस देखे। यहाँ पे केस क्या हुआ कि ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर के बीच में ये लड़ाई चल रही है कि पैसे दिए या नहीं दिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर का कहना होता है कि पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुआ, कॉर्पोरेट डेटर का कहना होता है कि मैं आपको ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ। कॉर्पोरेट डेटर ने सिविल सूट भी फाइल किया और कॉर्पोरेट डेटर का ये भी कहना है कि मैं आपको ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ, तो ये एक एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है और क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है तो अपन सीआईआरपी के एप्लीकेशन लेके नहीं जा सकते। नेक्स्ट केस है केस नंबर 37 प्रोवेस इंटरनेशनल एनसीएलटी का डिसीजन था। केस क्या है, सेक्शन 61 अपील लिमिटेशन पीरियड टू फाइल। अपील एंड फाइल अपील आफ्टर 6 months ऑफ द पासिंग ऑफ ऑर्डर वेदर डिले कंडोनेबल है नो। आईबीसी में जो आपको अपील फाइल करनी होती है वो आपको 30 days में फाइल करनी होती है। आप कब फाइल कर रहे हो, आफ्टर 6 months ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर, जब से ऑर्डर पास हो वहां से 6 months बाद आप क्या करते हो, केस फाइल करते हो, अपील फाइल करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको फाइल करनी थी विद इन 30 days। तो क्वेश्चन था कंडोनेशन ऑफ डिले मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहली चीज, जब सीआईआरपी स्टार्ट हो जाती है तो हम टाइम पीरियड को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और यहाँ पे दूसरी चीज ये थी कि 30 days का जो टाइम पीरियड है वो हम कहाँ से देखेंगे, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर से या नॉलेज ऑफ ऑर्डर से। तो यहाँ पे बताएगा कि आपको नॉलेज ऑफ ऑर्डर से, जब से आपको पता चल गया है कि ऑर्डर पास हो गया है वहीं से आपको क्या करना है, केस फाइल करना है। अगर आप इतना इतना टाइम बाद एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आपको कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं मिलेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 38 इंडियन बैंक, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एग्रीकल्चर लैंड नो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट वेदर एग्जम फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हैड नो। देखो यहाँ पे ये बताया गया, एक प्रोविजन आपको ध्यान रखना है कि सारफेसी एक्ट एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपके पास कोई लैंड है और अगर आपको वो देना है एज अ सिक्योरिटी और वो एक एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर सारफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट को वो लोग इन्फोर्स नहीं कर सकते एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके। एग्रीकल्चर लैंड को एग्जम करके रखा है सारफेसी एक्ट से। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन इन्वॉल्व था
कि वो जो पर्टिकुलर लैंड है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि सरफेसी एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो इन्होंने कहा कि किस बेसिस पे हम ये कंक्लूजन पे आएंगे कि वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात बोली गई, फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। हर केस में फैक्ट्स के बेसिस पे देखा जाएगा कि वेदर इट इज एग्रीकल्चर लैंड। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो हम उसको सरफेसी में कवर नहीं करेंगे। अगर फैक्ट्स से ये प्रूव हो जाता है कि वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो फिर वो सरफेसी में कवर होगी। नेक्स्ट केस है केस नंबर 39, के कृष्णा वर्सेस विजय नरमान। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था, क्या लिखा हुआ है, आईबीसी 2016 रीड विद आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, ऑपरेशनल डेट आर्बिट्रेशन अवार्ड इन फेवर ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर चैलेंज द अवार्ड, इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल्ड अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर बेस्ड ऑन द अवार्ड एज एडमिटेड डेट, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी एंटरटेन द एप्लीकेशन वेदर टेनेबल हेल्ड नो। यहाँ पे क्या होता है, एक आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग होती है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर के फेवर में पास होता है। अब कॉर्पोरेट डेटर को वो अवार्ड सही नहीं लगता तो कॉर्पोरेट डेटर आर्बिट्रेशन में अपील फाइल करता है, चैलेंज कर देता है उस अवार्ड को। जब वो चैलेंज किया ही था अवार्ड, उसी टाइम पे एक इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन एनसीएलटी को दे दी जाती है, एनसीएलटी भी एडमिट कर लेता है और एनसीएलटी भी एडमिट कर लेता है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करती है कि प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना होता है कि जब कॉर्पोरेट डेटर ने आर्बिट्रेशन में उसको चैलेंज किया है, मतलब वो चीज वहां पे अभी पेंडिंग है, वहां पे वो चीज डिसाइड होनी है कि कौन सही और कौन गलत है, तो यहाँ पे ये केस क्या है, प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है। अगर वहां डिसीजन आ गया होता और कॉर्पोरेट डेटर उसको चैलेंज नहीं करता तो वहां पे वो प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट हम उसको नहीं मानते, लेकिन क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर ने उसे चैलेंज करके रखा है, वो भी पेंडिंग में है, मतलब अभी डिसाइड होना बाकी है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो ये अभी प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है, इसलिए सीआरपी की एप्लीकेशन एडमिट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट केस है केस नंबर 40, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था, इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड 2016, टाइम बार क्लेम रिजेक्टेड बाय आर्बिट्रल काउंसिल, ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल पिटीशन बिफोर एनसीएलटी, कॉर्पोरेट डेटर रिफ्यूटेड द क्लेम डिसमिस बाय एनसीएलटी ऑन अपील अलाउड बाय एनसीएलटी, वेदर सस्टेनेबल हेल्ड नो। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो क्रेडिटर है वो हाई कोर्ट में जाता है, वहां बताता है कि मुझे इतना अमाउंट लेना बाकी है, हाई कोर्ट वहां पे ऑर्डर पास कर देता है कि ऐसा कोई भी अमाउंट पेएबल नहीं है अंडर द अवार्ड और एग्जीक्यूशन मेंटेनेबल नहीं रहेगा, तो हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया है कि ऐसा कोई भी अमाउंट पेबल नहीं है। अब क्रेडिटर वहां पे क्या करता है, एनसीएलटी के पास पिटीशन फाइल करता है कि मुझे ये अमाउंट लेना है, तो एनसीएलटी उसको डिसमिस कर देता है ऑन द ग्राउंड कि हाई कोर्ट ने जब यहाँ पे ऑर्डर पास कर दिया है कि कोई अमाउंट पेबल नहीं है तो कोई भी अमाउंट यहाँ पे पेबल नहीं रहेगा। एनसीएलटी में जब अपील फाइल करते हैं तो एनसीएलटी अपील को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ अमाउंट पेबल है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हाई कोर्ट और एनसीएलटी डिसाइड कर चुका है कि कोई अमाउंट पेबल नहीं है तो वहां पर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 41, राजेश अरोरा, एनसीएलटी का यहाँ पे डिसीजन था। सेक्शन 9, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हमने प्रोविजन देखा कि सेक्शन 9 होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर का। ऑपरेशनल क्रेडिटर सीआईआरपी के एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन उसके पहले उसे क्या करना होता है, सीआईआरपी के एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर की ड्यूटी है कि पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर का ऑब्लिगेशन है कि पहले उसे क्या करना है, डिमांड नोटिस देना है टू कॉर्पोरेट डेटर और उसी के बाद फिर वो सीआईआरपी में एप्लीकेशन दे सकता है। यहाँ पे क्या हुआ कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कॉर्पोरेट डेटर को डिमांड नोटिस इशू नहीं किया और डायरेक्टली क्या करा, सीआईआरपी की एप्लीकेशन दे दी एनसीएलटी को, तो क्या ये सही है, हेल्ड नो, क्योंकि जब स्ट्रिक्टली प्रोविजन में लिखा हुआ है कि सीआईआरपी की एप्लीकेशन देने से पहले आपको कॉर्पोरेट डेटर को डिमांड नोटिस देना पड़ेगा। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे भी वही किया गया। अच्छा सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि तुम भी बन जाओ कंपनी लॉ एक्सपर्ट।